माई नेम इज़ क्रिस्टीना विलियम एंड आई विल टीच यू हिंदी लैंग्वेज इन क्लास फोर्थ एंड टुडे वी गोइंग टू अंडरस्टैंड आर फर्स्ट लेसन. आर लेसन नेम इज़ भाषा और व्याकरण, लैंग्वेज एंड ग्रामर. मैं इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले जो इसमें एक वार्तालाप कही गई है उसके बारे में पढ़ रही हूँ. रवि ने अपने सहपाठी से पूछा, अजय क्या तुम आज विद्यालय गए थे? अजय ने कहा, हाँ रवि, लेकिन तुम आज क्यों नहीं गए थे? रवि ने जवाब दिया, आज माँ की तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए मैं विद्यालय नहीं जा सका. माँ चीनू से बात कर रही है और माँ बोल रही है, चीनू तुमने अभी तक अपना सामान नहीं समेटा, सारा सामान यहाँ बिखरा पड़ा है. चीनू, अभी सारा सामान जगह पर रखता हूँ माँ. जो ऊपर जो वाक्य आप मैंने अभी वार्तालाप पढ़ी उसमें आपने देखा होगा रवि, अजय और माँ चीनू अपनी अपनी बात को कह रहे हैं. यही भाषा है और एक दूसरे की बात को सुनकर समझ रहे हैं. भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर अथवा लिखकर अपने विचार या भाव प्रकट करता है और दूसरे मनुष्य के विचारों या भावों को सुनकर या पढ़कर समझता है. देखिए, अगर मुझे आपसे कुछ कहना है तो मैं अपने जो विचार है वो दो तरीके से आपकी तरफ कन्वे करूँगी, एक या तो बोलूँगी या तो लिखूँगी, तो आप मेरी बात को समझ पाएंगे. जैसे मैं क्लास में आपको अभी लेसन समझा रही हूँ तो मैं यह बोलकर समझा रही हूँ, तो उस बोले हुए जो मेरी बात है उसको आप समझ रहे हैं. और अगर मैं यहाँ पर ब्लैक बोर्ड का यूज़ करूँ तो मैं जो मुझे कहना है वो मैं आपको ब्लैक बोर्ड पर लिखूँगी और मैं बोलूँगी नहीं, बस मैं लिखूँगी, तब आप मेरी बात को लिखकर आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, है ना. मैं लिखूँगी, जैसे मैंने कोई एक शब्द लिखा कमल और मैंने उस शब्द को बोला नहीं, तो आपने मेरी लिखी बात को पढ़ा और मेरी बात को समझ लिया. ठीक उसी तरीके से अगर आप मुझसे कुछ कहेंगे तो मैं आपकी बात को दो तरीके से समझूँगी, एक तो आपकी बात को सुनकर और दूसरा पढ़कर. भाषा के दो रूप होते हैं, एक होता है मौखिक भाषा और एक होता है लिखित भाषा. जो मौखिक भाषा होती है उसमें बोलकर या लिखकर हम बात को समझते हैं और लिखित भाषा में सुनकर और पढ़कर हम बात को समझते हैं. भाषा के जो दो रूप हैं, पहला है लिखित और मौखिक. लिखित मौखिक भाषा में भाषा का प्रथम और प्राचीनतम रूप है, जब हम बोलकर अपने विचार प्रकट करते हैं तथा दूसरों के विचारों को सुनकर समझते हैं वह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है. मैंने बताया था कि अगर मुझे बोलना है आपसे तो अगर आप मेरे विचारों को समझना चाहते हैं तो मैं आपसे अपने विचारों को बोलूँगी या लिखूँगी. ठीक है, फ़ोन पर जैसे बात करना, टीवी देखना, गाने सुनना, कहानी सुनना व आदि चीज़ों को हम मौखिक भाषा के उदाहरण में ले सकते हैं. लिखित भाषा सभ्यता व संस्कृति के विकास के साथ भाषा का ये विकास हुआ और धीरे धीरे लिखित भाषा का रूप सामने आया. जब हम लिखकर अपने विचार दूसरों तक पहुँचाते हैं तथा पढ़कर दूसरों के विचार जानते हैं तो वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है. देखिए, जब एक छोटा बच्चा होता है तो वो एक साल का बच्चा या दो साल का बच्चा सबसे पहले जो है वो मौखिक भाषा का जो है वो परिवार में बोलना सीखता है. वो छोटे छोटे पहले शब्दों अक्षरों को बोलेगा, शब्दों को बोलेगा, शब्दों से वो वाक्यों को बनाना सीखता है. उसके बाद अब वह लिखना सीखता है. सबसे पहले वो मौखिक भाषा सीखता है. कहते हैं कि जो हमारा पाठशाला, पहली पाठशाला हमारा घर होती है जहाँ पर आप बोलना सीखते हैं. फिर आप अपनी पाठशाला में आते हैं, स्कूल में आते हैं, वहाँ पर आप लिखना सीखते हैं. ठीक है ना, तो इस तरीके से लिखने जो लिखित भाषा का जो रूप है वो आपका उदाहरण हो सकता है जैसे पत्र लिखना, किताब पढ़ना, ईमेल भेजना, फ़ोन पर जो संदेश भेजना जैसे SMS करना, वो आपका लिखित भाषा के रूप में आता है. इसके बाद हम अपना एक दूसरा पॉइंट लेते हैं, लिपि. लिपि क्या होता है? स्क्रिप्ट. भाषा लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें लिपि कहते हैं. देखिए, हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, अंग्रेजी की रोमन है, उर्दू की फारसी है, पंजाबी की गुरुमुखी है, संस्कृत की देवनागरी है, गुजराती की देवनागरी है, अरबी की अरबी है और रूसी की रूसी है. देखिए, अगर आप हिंदी मौखिक भाषा में आप बोल रहे हैं तो आप बचपन से आप जब अपने घर में होते हैं तो आपको हिंदी बोलनी पूरी आ जाती है. जब एक बच्चा, छोटा बच्चा लैंग्वेज LKG में आता है तो कम से कम वो कुछ सेंटेंसेस द्वारा अपनी बात को समझा सकता है, सेंटेंस बोल लेता है बच्चा. लेकिन वो क्या किस चीज़ को बोल रहा है? हिंदी तो वो बोल रहा है पूरी,
इंग्लिश वो अगर वो बोल रहा है, इंग्लिश वर्ड बोल रहा है, लेकिन सिर्फ वो मौखिक रूप से बोल रहा है, लिखित भाषा में वो नहीं बोल रहा है। देखिए भाषा के जो होती है वो लिपि होती है, स्क्रिप्ट। अंग्रेजी की लिपि जैसे आप ABCD सीखोगे, ABCD से आप शब्दों को बनाओगे और शब्दों को बनाकर आप सेंटेंसेस को बनाओगे। ऐसी हिंदी में जो वर्णमाला होती है उससे आप कह सकते हैं कि आप पहले वर्णमाला, पहले वर्ण, वर्ण से शब्द बनते हैं और शब्द से वाक्य बनते हैं। सबसे पहले हम वर्णमाला सीखते हैं, उसके बाद हम उसी वर्णमाला से हम शब्द बनाते हैं। जैसे एक आपने ले लिया अ, छोटा अ, फिर आपने उसका शब्द बनाया अनार, और उसके बाद आप बनाएंगे अनार लाल होता है, आपने उसको वाक्य में कन्वर्ट कर दिया। तो हर भाषा की अपनी एक लिपि होती, एक स्क्रिप्ट होती है। अब अगर आप बात करेंगे तमिल की, मलयालम की, तो हम उन भाषा को लिख नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हमें उसकी स्क्रिप्ट नहीं आती। अगर हमें उसकी स्क्रिप्ट आती है तो हम उसकी लिपि अगर हम जानते हैं तो हम उन भाषाओं को लिख सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। बच्चों ध्यान रखिए कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय। देखिए जो हमारी राष्ट्रभाषा किसी भी देश की जो भाषा होती है, जो उस क्षेत्र विशेष में उस देश में बोली जाती है वो आपकी राष्ट्रभाषा होती है, और जो क्षेत्र में बोली जाती है वो बोली होती है, डायलेक्ट। ठीक है, अंग्रेजी जो है वो अंग्रेजी कह सकते हैं, इंग्लिश वो इंटरनेशनल लैंग्वेज है, वो ऐसी लैंग्वेज है जैसे अगर आप विदेश में कहीं जाते हैं तो आप अपने देश की भाषा बोलकर आप किसी की अपना मैसेज कन्वे नहीं कर सकते, लेकिन इंग्लिश एक ऐसी इंटरनेशनल लैंग्वेज है जिससे कि आप अपनी कहीं भी किसी भी कंट्री में जाके अपनी जो है बात को किसी अन्य व्यक्तियों को समझा सकते हैं। आज संसार में विभिन्न देशों की अपनी अपनी भाषाएं, जैसे इंग्लैंड में अंग्रेजी, जर्मनी में जर्मन, रूस में रूसी और चीन में चीनी भाषा बोली जाती है, और इंडिया में क्या बोली जाती है? हिंदी। राजभाषा, देखिए राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर सुनिएगा। राजभाषा किसी देश में सरकारी कामकाज में प्रयोग की जाने वाली भाषा को उस देश की राजभाषा कहते हैं। जैसे कि राजभाषा आप देखिए जो हमारा इंडिया है उसमें जितने भी हमारे मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, जो हमारी विधानसभा है, राज्यसभा है, उस सब में जो भी कार्य जो होता है वो सब हिंदी में होता है, चाहे वो मौखिक रूप से हो चाहे वो लिखित रूप से, उसे हम राजभाषा बोलते हैं। राजभाषा जो सरकारी कामकाज की भाषा, मतलब हम अपना कोई भी जो हमारा गवर्नमेंट का जो काम है वो हम हिंदी में करते हैं। जैसे अगर हमें कहीं भी रिपोर्ट करनी है या कुछ हमें देना है, कोई दस्तावेज देने हैं, तो वो हम अपने हिंदी में, आप देखोगे तहसील में भी हिंदी में टाइपिंग होती है क्योंकि वो हमारी हिंदी राष्ट्रभाषा है। राष्ट्रभाषा का किसी देश में जो अधिकांश लोगों द्वारा बोली और समझी जाने वाली भाषा, देखिए हमारे भारत में कई राज्य हैं लेकिन मोस्टली जो हमारा जो देश भारत जाना जाता है वो हिंदी, क्योंकि हमारी जो राष्ट्रभाषा है वो हिंदी है। देखिए राजभाषा क्या है, उस देश में जो सरकारी काम होता है वो किस भाषा में होता है वो उसकी राष्ट्रभाषा है। इंडिया में हिंदी में होता है तो वो हिंदी है, ऐसे इंग्लैंड में अंग्रेजी में होगा तो वो अंग्रेजी भाषा उनकी राजभाषा होगी, जर्मनी में जर्मन में अगर वो होगा तो उनका जो जर्मन भाषा उनकी राजभाषा होगी और राष्ट्रभाषा उनकी अलग होगी। हमारी जो राजभाषा है वो हिंदी है, दोनों में राष्ट्रभाषा भी हिंदी है और राजभाषा भी हिंदी है। राष्ट्रभाषा तो हमारी हिंदी है ही, और राजभाषा का मतलब जो सरकारी कामकाज है वो किस लैंग्वेज में हो रहे हैं। मातृभाषा, जिस भाषा में बच्चा सर्वप्रथम परिचित होता है, जिसे वे अपने परिवार के लोगों से सीखता है और बोलता है, वह मातृभाषा कहलाती है। भाई सही बात है, जिस तरीके से हम अपने, जैसे हमारा, हम अपने इंडिया में जन्मे हैं तो आपने देखा होगा एक अंग्रेज़ का बच्चा जब पैदा होता है तो वो तुरंत इंग्लिश बोलता है, और आप देखते हैं कि कुछ हम लोगों को इंग्लिश बोलने में समय लगता है, हम सीखते हैं उसको क्योंकि वो हमारी भाषा नहीं है। लेकिन एक बच्चा जब LKG में आता है तो कम से कम वो अपनी, चाहे वो पैराग्राफ में थोड़ा बोले, चाहे वो अपनी कुछ बात को बोले, लेकिन वो अपनी बात को हिंदी में आसानी से बोल देता है छोटा बच्चा, क्योंकि उसने उस भाषा को अपने परिवार से, अपने परिचित लोगों से, अपने परिवार के लोगों से सीख। शब्द और शब्द से क्या बनते हैं? वाक्य। ठीक उसी तरीके से हम लेंगे कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है और उसके खंडनी होते हैं, वर्णों के सार्थक समूह से शब्द बनते हैं और शब्दों के सार्थक समूह से वाक्य बनते हैं, है ना। शब्दों का जो सार्थक समूह, जैसे कि पृथ्वी गोल है, हम अपना कार्य स्वयं करना चाहिए। अगर आप, मैं आपको बोलूं कि अगर आप उल्टा गोल है पृथ्वी तो ये गलत है ना। हम जो, देखिए जो वाक्य होता है
एक तो वो सार्थक तो होना चाहिए लेकिन व्यवस्थित क्रम में होना चाहिए, ऑर्डर, उसका जो क्रम होना चाहिए वो ऑर्डरली होना चाहिए। जैसे अगर आप नीचे एक जैसे में पढ़ रहे हैं उदाहरण में, पृथ्वी गोल है, हमें अपना कार्य स्वयं करना चाहिए। अगर मैं इसको ऑर्डर से हटा दूं तो गोल है पृथ्वी, हमें कार्य स्वयं करना चाहिए अपना, इस तरीके का अगर मैं आपसे बात करूंगी तो आप मेरी बात को नहीं समझ पाएंगे। जो वाक्य होते हैं वो ऑर्डर, वो क्रम व्यवस्थित रूप में होने चाहिए, क्रमानुसार होने चाहिए, है ना, तभी आप उस पैराग्राफ को, उन शब्दों को, उन वाक्यों को आप समझ सकते हैं। जैसे पृथ्वी गोल है तो आप इसको समझ पा रहे हैं, मैंने बोला पृथ्वी गोल है तो आप इस बात को मेरी समझ पा रहे होंगे। हमें अपना कार्य स्वयं करना चाहिए, आप मेरी बात को समझ पा रहे हो क्योंकि जो है पूरी तरीके से बात जो कही गई है वो व्यवस्थित क्रम में कही गई है, ठीक है ना। तो एक हम इसका फिर से हम थोड़ा सा मैं आपको पूरा पुनः बताऊंगी, जो भाषा होती है वो वह साधन है जो हम बोलकर लिखकर अपने विचारों को प्रकट करते हैं और दूसरे की बात को हम सुनकर और पढ़कर। देखिए मैं जब बोलूँगी अपनी बात को, जब मैं आपको समझाऊँगी तो मैं या तो बोलूँगी और या तो मैं अपनी बात को लिखूँगी, और आप मेरी बात को अगर समझोगे तो कैसे समझोगे, सुनकर और पढ़कर, है ना। अगर मैं बोल रही हूँ तो आप उसको सुन रहे हैं, अगर मैं लिख रही हूँ तो आप उसको पढ़ रहे हैं, है ना। अगर मैं फिर से मैं बताऊँगी, अगर मैं अपनी बात को बोल रही हूँ तो आप मेरी बात को सुनकर समझ रहे हैं, और अगर मैं ब्लैकबोर्ड में मान लीजिए मैंने सेब लिखा, बोला नहीं, तो आपने चुपचाप से उसको बस पढ़ के बात को समझ लिया कि मैम ने सेब लिखा है, मैंने बोला नहीं लेकिन आपने उसको पढ़ लिया, है ना। तो इस तरीके से तो भाषा के जो दो रूप होते हैं वो है मौखिक और लिखित। मौखिक भाषा मैं आपको बता चुकी हूँ और लिखित भाषा बता चुकी हूँ। इसके बाद आप लेंगे लिपि। लिपि जो होती है वो किसी भी भाषा की वो होती है स्क्रिप्ट, मलयालम है ना, तमिल है, हिंदी है, अंग्रेज़ी है, उर्दू। हम इसको तब तक नहीं पढ़ पाएंगे जब तक हम इसकी स्क्रिप्ट, हम दो तरह की स्क्रिप्ट हम पढ़ सकते हैं, हम हिंदी पढ़ सकते हैं क्योंकि हमें वर्णमाला आती है, हम अंग्रेज़ी पढ़ सकते हैं क्योंकि हमें ए से जेड तक की ए बी सी डी आती है। लेकिन अगर मैं आपसे तमिल की बुक दूँ और आपसे बोलूँ कि आप पढ़ो, तो आप अगर आपको ज्ञान होगा स्क्रिप्ट का तब आप पढ़ पाएंगे, अदरवाइज़ आप उसको नहीं पढ़ पाएंगे। तो प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है, ठीक है। राजभाषा जो होती है वो सरकारी कामकाज की भाषा होती है कि किसी भी देश में जो काम हो रहा है, सरकारी जो गवर्नमेंट वर्क हो रहा है वो किस लैंग्वेज में हो रहा है। हमारा इंडिया की भाषा, राष्ट्रभाषा हिंदी है, इसीलिए जो सरकारी कामकाज है वो हिंदी में होते हैं, ठीक है। जो हमारे हिंदी दिवस जो हमारा बनाया जाता है वो प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को, याद रखिएगा, प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। और ये किस दिन मनाया गया था, 14 सितंबर 1949 को मनाया गया था। मातृभाषा जो होती है वो बच्चे की भाषा, जो बच्चा सर्वप्रथम परिचित होता है जिससे, जैसे अपने परिवार से आप परिचित हैं, अगर आपके परिवार वाले आपके संग जिस भाषा में बात करते हैं, आपने देखा होगा कुछ बच्चे छोटे बचपन से ही वो इंग्लिश बोलना, मलयालम बोलना, तमिल बोलना, उर्दू बोलना, क्योंकि उनके परिवार में शुरू से उस भाषा को ज्ञान दिया जाता था, है ना, उस भाषा से वो परिचित हैं। व्याकरण, मैंने आपको बताया कि व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा के शुद्ध रूप का पुनः ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। अगर हमें नॉलेज नहीं है तो हम उस चीज़ को गलत जो है वो बोलेंगे, है ना। जैसे आप ग्रामेटिकल मिस्टेक हम कर जाते हैं कभी कभी, इंग्लिश में भी हिंदी में भी, है ना, ही की जगह शी की जगह हम ही बोल देते हैं, तो वो हम गड़बड़ जो है वो कर जाते हैं। वह लड़की खड़ा है, वह बालक खेल रही है, हम इस तरीके की हम गलतियों को कर जाते हैं क्योंकि हमें नॉलेज जो है वो नहीं है। अगर हमें व्याकरण का पूर्ण ज्ञान है तो हम उस सेंटेंस को हम ढंग से बोल सकते हैं। देखिए व्याकरण के तीन अंग होते हैं, मैंने बताया था आपको, पहला वर्ण, शब्द और वाक्य। पहला वर्ण है, दूसरा शब्द है और तीसरा वाक्य है। देखिए वर्ण क्या है, भाषा की सबसे छोटी जिसके खंड नहीं किए जा सकते। शब्द, शब्दों के हम खंड करते हैं, आपको पता है ना, जैसे आपने बचपन में LKG UKG में पढ़ा होगा, न प्लस या प्लस ना, नयन, ब प्लस आकाडंडा प्लस जा प्लस आकाडंडा प्लस रा, बाजार, अ प्लस चा प्लस का प्लस ना तो अचकन, तो इस तरीके का प्लस मा प्लस ल का मल, हम इसके खंडित करके हम इसको पढ़ सकते हैं। लेकिन शब्द जो होते हैं वो वर्णों के सार्थक होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया था खाना, वाना, खाना शब्द है, वाना भी शब्द ही है, लेकिन खाना जो है वो सार्थक शब्द है और वाना जो है निरर्थक शब्द है।
जो सार्थक शब्द मतलब सा अर्थ, जिसका अर्थ होता है, और निरर्थक जिसका अर्थ नहीं होता है। वाक्य शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि सबसे बड़ी बात कि जो वाक्य होने चाहिए वो व्यवस्थित होने चाहिए, सार्थक भी होने चाहिए मतलब जिनका अर्थ भी होना चाहिए, और वो व्यवस्थित भी होना चाहिए, है ना। जैसे कि पृथ्वी गोल है, हमें अपना कार्य स्वयं करना चाहिए। अगर मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल क्रमानुसार पढ़ूंगी तब आप मेरे सेंटेंसेस को समझ पाएंगे।